मेवात जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण तेजी से गांव में पैर पसार रहा है। इस बात को लेकर केंद्र व राज्य सरकार से लेकर आम आदमी गंभीर है। गांव के लोग अनपढ़ता व अज्ञानता तथा संसाधनों की कमी की वजह से कम टेस्ट करवा पा रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं कोरोना का खौफ भी देखने को मिल रहा है और ग्रामीण इलाकों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। गांव के लोग सरकारी अस्पतालों के बजाय झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनमें कोरोना के मामूली लक्षण हैं। जिन मरीजों में सांस लेने की दिक्कत आती है उनको नलहड़ मेडिकल कॉलेज तथा अलाफिया सामान्य अस्पताल माडीखेड़ा में ले जाया जाता है। हल्के लक्षण वाले मरीज निजी प्राइवेट अस्पतालों से ही दवाइयां लेकर ठीक हो रहे हैं। साथ ही डॉक्टर भी लोगों को कोरोना संक्रमण के बारे में जागरूक कर रहे हैं, साथ ही टेस्ट कराकर दवाई लेने की बात कर रहे हैं। जहां तक फंगस की बात है तो अभी तक इस मेवात जिले में ब्लैक फंगस का कोई मरीज सामने नहीं आया है। डॉक्टर का कहना है कि प्राइवेट अस्पताल से हल्के लक्षण के मरीजों को दवाई दे रहे हैं, साथ ही मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गांव में डॉक्टर्स पीसीएम टैबलेट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा बुखार वाले मरीजों को इंजेक्शन भी डॉक्टर द्वारा लगाए जा रहे हैं। जहाँ तक टेस्ट के बाद दवाई देने की बात है तो गाँव में डॉक्टर्स मरीज से ही बीमारी के बारे में पूछते हैं और उसी के आधार पर दवाई देने का काम कर रहे हैं। और गांव में डॉक्टरों से दवाई लेने के बाद बड़ी संख्या में मरीज ठीक भी हो रहे हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना लक्षण होने के बाद दवाई लेनी चाहिए और कोरोना को लेकर पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए, तभी जाकर इस महामारी से जंग जीती जा सकती है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्लैक फंगस हमारे एनवायरनमेंट में ही रहती है, ठीक है। एक फंगल डिजीज है, इसको हम साइंटिफिक भाषा में म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, ये उन्हीं को अटैक करती है जो पेशेंट या तो डायबिटिक हैं या फिर जिनको रीनल डिजीज है ज़्यादा, या फिर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, या फिर कोई पेशेंट स्टेरॉइड पे है, उन लोगों में ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये फैलती कैसे, इसके बारे में बताऊंगा मैं। ये फैलती है हवा के कारण, इनहेलेशन इसके स्पोर्स होते हैं फंगस के, अगर उनको कोई इनहेल कर लेगा तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू पेशेंट में चली जाती है और वो अफेक्ट करती है। साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी आँख के पास, नाक के पास, गले के पास, कोर्ट के पास अगर कोई ब्लैक चकत्ता दिखाई दे तो आप सतर्क हो जाएं और नज़दीकी स्वास्थ्य विभाग के केंद्र पे जाके उसे दिखवाएं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ब्लैक फंगस अगर दिखाई देती है तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप कहीं पे भी ना दिखाएं और कहीं से कोई मेडिसिन ला लें, ठीक है। अगर आप आने जाने में असमर्थ हैं तो हमारी स्वास्थ्य विभाग की एक ऐप चलती है ई संजीवनी ओपीडी, उसके थ्रू आप टेलीमेडिसिन के थ्रू भी पूरे राज्य के जितने भी डॉक्टर हैं आप किसी से भी उसकी सलाह ले सकते हैं और बीमारी के खतरों से बच सकते हैं। जो गांव में ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं उसके लिए सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन मिलकर अभी गाँव में एक स्कीम चला रहे हैं, उसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। गाँव गाँव जाकर हमारी बहुत सारी टीमें सब सेंटर पे, विलेज लेवल पे सभी का टेस्ट कर रही है। अगर वहाँ पे कोई रिपोर्ट होता है तो वो जाके उसका इलाज कराए और उसे हम आइसोलेट कर दें। बिल्कुल आप किसी झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े, इससे आपका धन और स्वास्थ्य दोनों का व्यय होगा, उसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं डॉक्टर मनोज गोयल, आजकल जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें से स्पेशल खांसी जुकाम बुखार के पेशेंट्स को यदि कोई आता है तो बिल्कुल अलग से उसको देखते हैं। पहले उसका ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेक करते हैं, सारे सिम्टम्स पूछ के, और पेशेंट्स को हिदायत देते हैं कि अपना मास्क ठीक से प्रॉपर पहने, उचित दूरी बना के रखें,
और फिर उसको ट्रीटमेंट देते हैं। वैसे इस कोविड के सीजन में जब से लॉकडाउन लगा है नंबर ऑफ पेशेंट बड़ा ही कम आ रहा है। ज़्यादातर पेशेंट खासकर मेवात में अपने घरों में रहकर मेडिकल वगैरह से ही मेडिसिन का इस्तेमाल करके ठीक हो रहे हैं। फिर भी मेवात में जैसा देखने में आ रहा है क्योर रेट यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। लोगों की इम्यूनिटी क्योंकि अच्छी है, मसालों का, गर्म मसालों का, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों का काफ़ी मात्रा में ये लोग प्रयोग करते हैं। और हमने अपने क्लिनिक के ऊपर पोस्टर वगैरह भी लगाए हुए हैं जिससे लोगों को थोड़ा शिक्षित करने में सहायता मिलती है कि दूरी बना के रखें, मास्क वगैरह लगा के रखें, टेस्टिंग पर विशेष ध्यान देते हैं। यदि किसी भी पेशेंट को खांसी जुकाम बुखार के लक्षण है तो हम उनको कहते हैं कि अपना PHC में जाकर टेस्ट कराएं जिससे आपका प्रॉपर इलाज हो सके। और जो लोग ठीक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने के लिए मोटिवेट करते हैं कि अपनी वैक्सीन लगवाओ जिससे कि आप इस बीमारी से इन्फेक्टेड ना हो। तो किस तरह की अब जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में जो लोग आ रहे हैं उनमें इतने ज़्यादा गंभीर लक्षण नहीं है, काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं। और लोगों को जो मतलब डॉक्टर्स यहाँ पर एजुकेट कर रहे हैं लोग भी अब समझने लगे हैं कि कोरोना बीमारी है पर लेकिन इसमें हम सावधानी बरतेंगे तो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है कि जितना इसके ऊपर दुष्प्रचार किया जा रहा है। और ये जो ब्लैक फंगस आजकल आई है, हम डॉक्टर बंधुओं से भी और मेडिकल स्टोर वालों से भी कहेंगे कि पेशेंट मांगे तो उसको, क्योंकि स्टीरोइड के बारे में कुछ पता नहीं होता, पेशेंट को कभी भी स्टीरोइड ना दें जिससे कि पेशेंट ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड हो। और एज ए डॉक्टर मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में एक फिटकरी होती है, फिटकरी का हर्ष जो होता है और सेंधा नमक और हल्दी, तो फिटकरी जैसे कि हम एक भाग लेते हैं, हल्दी 2 भाग और सेंधा नमक 4 भाग, इसका मंजन करा जाए तो मैं ये कहता हूँ कि मुँह में इस ब्लैक फंगस के होने की संभावनाएँ बड़ी कम हो जाती है। और ऐसा ही कहना चाहूँगा, लोग डॉक्टरों के पास इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि डॉक्टर जो चेकिंग करेंगे तो चेकिंग में हो सके कोरोना आ जाए, इस वजह से कोरोना की डर की वजह से वो लोग डॉक्टरों के पास नहीं जा पा रहे हैं और घर पर ही अपना इलाज करवा रहे हैं। और जो गांवों में या और वगैरह अगर झोला छाप डॉक्टर हैं उनकी बल्ले बल्ले हो रही है, घरों में इलाज कर रहे हैं, इस वजह से लोग डॉक्टरों के पास नहीं जा रहे हैं। देखो ये एक अनपढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ अज्ञानता भी है। जबकि मेरी राय यह है कि डॉक्टरों की सलाह से ही दवाई ली जाए, और आज तो सरकार भी कह रही है कि अपने घर ही आइसोलेशन हो जाएं, दवाई लें और घर पर ही रहें और डॉक्टर की सलाह से लें। अगर डॉक्टर की सलाह से ना लेंगे तो अन्य अन्य बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं, जैसे ब्लैक फंगस जो आँखों की बीमारी आ रही है, ये भी मतलब इसी का एक रूप है। जागरूकता ना होने के कारण सभी ये अपील करते हैं कि किसी भी डॉक्टर की सलाह ले बगैर दवाई ना लें। अक्सर कर ऐसा होता है किसी कोरोना पॉजिटिव को केस आया था, वो ठीक हो गया, तो पब्लिक ऐसे बहुत करती है कि उसी से सलाह लेके कौन कौन सी दवाई ली, उसी दवाई को लेके मेडिकल पे चले जाते हैं, जबकि मेडिकल से डायरेक्ट बिना डॉक्टर की सलाह लिए नहीं लेना चाहिए। और मेडिकल वालों को, एक आम नागरिक को डायरेक्ट दवाई नहीं देनी चाहिए, पर्ची होनी चाहिए मेडिकल ऑफिसर की या किसी डॉक्टर की सलाह बगैर नहीं लें। और टेस्टिंग के मामले में थोड़ा अभी पब्लिक डर रही है, ये सोच रही है कि वहाँ जाएंगे हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब जागरूकता ना होना एक सबसे बड़ा कारण है। पर लगे हुए हैं, जल्दी से जल्दी जागरूक करके टेस्टिंग भी कराएंगे और सब कुछ है।